दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में जो वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, कोई भी वॉकिंग इंटरव्यू निकल ना जाए आपसे। क्योंकि अभी जस्ट कल इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको मैं बता दूँ कि फील्ड ऑपरेटर के लिए वैकेंसी जो ITI के लिए है, जो 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, हाई प्रेशर एक्शन डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन टैंक अनलोडिंग लोडिंग हाइड्रोजनेशन नाइट्रेशन एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो दोस्तों DCS सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा केमिकल BSc MSc केमिस्ट्री से मांगा हुआ है, विद 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, और DCS योकोगावा। अगर आपके पास योकोगावा का एक्सपीरियंस है तो आपका पहले सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। PLC सिस्टम, और ये भी सेम ही है, किस किस का एक्सपीरियंस वही सेम है। नेक्स्ट बात करूँ तो मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ITI फिटर मांगा है, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, वो अपना फील्ड से मांगा रिलेटिव। तो नेक्स्ट बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का वैकेंसी है, जहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, और वो भी यहाँ पर दिया हुआ ऑपरेशंस मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स MCC और PCC DG सेट्स। तो नेक्स्ट बात करूँ QC केमिस्ट का वैकेंसी, जहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MSc केमिस्ट्री मांगा है, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। अब आपका यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ऑलरेडी, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, GC HP LC GC UV और IR वगैरह, जो भी वेट एनालिसिस जो भी है। और नेक्स्ट है छठा, जो है ETP ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ITI मांगा हुआ AOCP विद 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी ETP और MEE प्लांट में। नेक्स्ट है 7 नंबर, जो है ETP फॉरवाइजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर BSc केमिस्ट्री से मांगा है। अगर आपके पास डिप्लोमा केमिकल है, एनवायरमेंट है, तो भी चलेगा, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। DCS बेस GLR और फिल्टर फ्रेश वगैरह का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टीपर NETP MEE प्लांट का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो फायरमैन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर डिप्लोमा HSC से मांगा हुआ, फायर से मांगा हुआ सेफ्टी, तो विद 3 से 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ आपका। दोस्तों बात करूँ कि यहाँ पर जो सैलरी पैकेज, तो सैलरी पैकेज अच्छा ही मिलेगा, और एक केमिकल इंडस्ट्री है दोस्तों, वॉकिंग इंटरव्यू है, आप यहाँ पर जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, ओरिजिनल जितने भी हैं, लेटेस्ट CV चाहिए इन्हें, और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, करंट इंक्रीजमेंट लेटर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। अगर आप यहाँ जाते हैं तो इतने डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाना पड़ेगा। आपको बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ अंकलेश्वर लोकेशन में इंटरव्यू होने वाला है, गुजरात में, जहाँ पर लोट्स प्लाजा दिया हुआ है होटल, तो यहाँ होने वाला है। यहाँ पर तारीख की बात करूँ 6 नवंबर है, जहाँ पर 10 बजे सुबह से 5 शाम को बजे तक चलेगा यहाँ इंटरव्यू। तो दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप अगर इसे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि आपके एक छोटे से हेल्प से किसी का भला हो सके। तो आप अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।